देखिए, सर्टिफिकेट को लेकर भारी शिकायतें जो है वो देखने को मिल रही हैं कि बाहर के लोगों को लगातार इशू किए जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको अनगिनत परेशानियाँ जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने में आ रही हैं। ना केवल बाहर के लोग ले रहे हैं बल्कि कायदा और कानून का उल्लंघन करते हुए उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में सबसे बड़ी मिसाल जो है वो है ये नवीन चौधरी जी हैं जो फाइनेंशियल कमिश्नर हैं। इन्होंने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करवाया है तहसीलदार से। अब तहसीलदार के पास कोई कंपिटेंसी भी नहीं है कि वो आईएएस और आईपीएफ ऑफिसर्स जो बाहर के हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर सके, क्योंकि डोमिसाइल का कानून ही ये कहता है कि बाहर के जो ऑफिसर्स हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट और उनके बच्चों को इशू करना होगा, तो जीएडी करेगा और डिविजनल कमीशन में जो एडिशनल कमिश्नर है वो करेगा। लेकिन तहसीलदार से इन लोगों ने जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले लिया है कायदा और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए। ये अपने आप में अनियमितता की एक बहुत बड़ी मिसाल है और लोगों के अंदर एक भारी रोष इस संदर्भ में देखने को मिल रहा है। यहाँ का नौजवान जो ये कहता है कि उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिल पाए हैं, जो बोनाफाइडी क्लेमेंट्स हैं, जो एंटाइटल्ड हैं जेन्युइनली, उनको डिले किया जा रहा है। और एक भारी रोष यहाँ के नौजवानों में इस बात को लेकर भी है कि बाहर के लोगों को आप यहाँ का बशिंदगान बना रहे हैं और मुलाजमत में जो है वो उनको हिस्सा मिलेगा। यहाँ के नौजवानों के अधिकारों के ऊपर फिर से डाका डालने की कोशिश की जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी दुहाई देती थी यहाँ के नौजवानों को इंसाफ दिलाने की, आज उसी ने एक ऐसा कानून बनाया जिससे हमारे नौजवानों को जो है उनके 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 अधिकारों के ऊपर एक डाका जो है डालने जैसी कोशिश की रही है, जिसकी पैंथर्स पार्टी कड़ी मुजम्मत करती है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे नौजवानों को इसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द उनके डोमिसाइल बनाए जाएँ। और जिस तरीके से ये किया जा रहा है, अब यहाँ जम्मू में भी बिहारी जो है वो डोमिसाइल लेके बिहारी डोगरास ये बने हुए हैं, यूपी के भैया अब डोगरा जो है वो बन रहे हैं। जो असली डोगरा है उनको आप जिस तरीके से मिटाने की कोशिश कर रहे हो बीजेपी वालों, वो आपका जो है पतन का कारण आने वाले वक्त में बनेगा।